सच्चिदानंद सच्चिदानंद नमो वीतरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धानम नमो आयरियाणं नमो आयरियानम नमो वज्जायाणं नमो वज्जायानम नमो लोये सव्वसाहुणं लोए सब साहुनम ऐसो पंचण मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो पावप्पनासनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेषिं पड़वं हवई मंगलम् परमं भवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हे सच्चिदानंद, सत्संग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। बोलिए माँ बहन। प्रगट अनुभव ज्ञान सूत्र श्रेणी नंबर 15 अने वाक्य 257 पाना नंबर 257 257 क्या करेंगे अजू आगर अजू आगर प्रेरणा करनार ज गुनेगार छे अने क्रिया करनारो सेकंडरी गुनेगार छे आ सिद्धांत समझाओ मा प्रे आम सहलो छे बहुज वाक्य समझाय छे खरु पण एनु डेफनेस नथी समझातु हिंदी में बोलना है प्रेरणा करना गुनेगार है छे गुनेगार है क्रिया करना करनार सेकेंडरी गुनेगार है ये सिद्धांत है बराबर। हाँ तो के हमारे अंदर ये शरीर क्रिया करनार बन जाता है लेकिन प्रेरणा कौन करते हैं तो अंदर के अहंकार के माध्यम द्वारा प्रेरणा होती है कि आप करो मैं आपके साथ में हूं आप मैं आपके साथ में हूं इसलिए ये शरीर को नहीं करना है फिर भी करना पड़ता है। शरीर सो किसके अधीन है जो उसको करवाता है वो करता है जैसे उसको ज्ञान मिलता है जैसा ज्ञान मिलता है वैसे शरीर काम करता है। तो शरीर सिर्फ क्रिया करना करनार बन जाता है लेकिन प्रेरणा करने वाला अहंकार है इसीलिए उनको भटकना पड़ता है प्रेरणा करने वाले को इसीलिए उसको कर्ता पद बताया गया है कर्ता पद। तक कर्ता पद जितना हमारे अंदर होता है इतना हम गुनेगार बन जाता है और कर्ता होने की वजह से उनको नया नया शरीर मिलता जाता है क्योंकि क्रिया तो किसके भी माध्यम के द्वारा होती है लेकिन क्रिया करवाने वाला कौन है उनके माध्यम द्वारा ये शरीर मिलता ही जाता है इसलिए सेकंड बाद में शरीर मिलता है पहला अंदर भाव होता है भाव होता है प्रेरणा होने से भाव बन जाता है और भाव बनने से वो रूपक में आता है दूसरे अवतार में क्रिया के रूप में आता है इफेक्ट के रूप में आता है इसलिए जितनी अंदर से प्रेरणा होती है इतने अंदर कॉजेस बनते जाते हैं और कॉजेस बनने के बाद इफेक्ट अपनी आप अपने आप आती है इफेक्ट को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए दादा भगवान ने बहुत बहुत बड़ा काम किया है कि वो जो प्रेरणा करने वाला था उसको ही निकाल दिया। क्या किया उन्होंने प्रेरणा मीन्स स्पंदन प्रेरणा मतलब कराने वाला कराने वाला तो जो जो अपन रोज का काम करते हैं अभी उठ के अंदर से जो आता है कि अहंकार से बिना तो होता नहीं है कुछ भी काम अहंकार के बिना होता नहीं है
हाथ भी ऊंचा करने से अहंकार मिलता है तो वो ऑटोमेटिक होता है, वो खाने पीने की चीज और किचन में जाने की, वो मगज में आने की, और सब्जी लेने जाओ तो कौन सी सब्जी लेने की, वही ऑटोमेटिक लेने की आती है। वो कौन सा अहंकार यूज करते है? तुम्हारा अंदर पड़ा हुआ तो अहंकार ही है, पर वो कौन सा चार्ज और डिस्चार्ज? तो कि अभी हमारे ज्ञान लेने के बाद जो अहंकार अंदर काम कर रहा है वो डिस्चार्ज अहंकार का काम कर रहा है, क्योंकि अहंकार के बिना काम नहीं होता है। लेकिन ज्ञान के पहले जो अहंकार था वो चार्जिंग वाला अहंकार था, इसीलिए चार्जिंग होता था। एक ज्ञान के बाद चार्जिंग वाला अहंकार बंद हो गया, अभी डिस्चार्ज अहंकार निकल रहा है, इसलिए पूरी क्रिया डिस्चार्ज हो रही है, इसमें चार्ज कुछ भी होता नहीं है। इसलिए दादा भगवान बार बार बताते थे कि आपको अभी कुछ भी चार्ज करना है तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चार्जिंग करने वाला अहंकार हमने निकाल दिया है। तो ये दादा बोलते थे कि ये पाइप में से जो पानी निकलेगा वही पानी निकलता है, बस यही देखने का। मेन कॉक बंद कर दिया है, अभी जो टाकी में पड़ा हुआ जो पानी है, पाइप में भरा हुआ पानी है, वो ही निकल रहा है। वो निकलता है तो मैं ऐसा होता है कभी पानी तो निकलता है, दादा बोझा जो टंकी है इसको खाली हो जाने दो ना, बाद में अब देखो। जैसे कभी कभी टंकी भर जाती है, एक मिनट, जैसे जैसे कभी टंकी भर जाती है ना तो पानी निकलता है, हम वहां से कॉक बंद कर देते हैं ना तो भी पानी निकलता है। तो क्या वो इतने समय आप इंतजार करो, जैसा निकल जाएगा तो आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हम फ्री है, अभी भी हम मुक्त है, क्योंकि अभी हम करने वाले नहीं है। जो अकर्ता पद जिसका स्थापित हो जाता है वो ये सब क्रिया करते करते भी मुक्ति का अनुभव साथ में होता जाता है उनको। बराबर, इसीलिए अभी एक ही हमारी चार्जिंग क्रिया है, कौन सी? तो के दादा भगवान की आज्ञा का आप जितना पालन करते हैं वो ही चार्जिंग पॉइंट है, और वो चार्जिंग पॉइंट संसार का चार्जिंग करने वाला नहीं है, लेकिन महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के दर्शन करने के लिए चार्जिंग होता है, बाकी और कुछ भी चार्जिंग नहीं होता है। बराबर। 264 दीपकानंद जी, संचलन अने संचयन बे जुदी वस्तु छे। संचलन अने संचयन बे जुदी वस्तु छे। संचयन चार थाय एटले एवुं संचयन डिस्चार्ज थवुं जोईए, ए संचयन पछी कुदरत ना आत्मा जाय छे, कुदरत एने संचयन करे छे। आ बिलकुल समजाय छे, आगलुं वाक्य छे एनुं ज आ परिणाम छे, समजाय छे, पण अंदर जे गोटाळो थाय छे सामा गोटाळो थाय छे? जो घोटाला होता है ने वो किसमें होता है? तो के पहले का भरा हुआ माल बीच बीच में आता है, पहले का बीच बीच में आता है, वो कर्मों का फोर्स इतना होता है कि हमें आज्ञा में रहना है फिर भी वो नहीं रहने देता है। लेकिन वो समय में हमें क्या करना चाहिए? वो नहीं रहता है और हम ज्ञान को हाजिर रहते हैं, वो उनको भगवान ने तप बताया गया है। तो के अंदर उस समय हमें तप करना चाहिए, वो नहीं रहने दे और हमको रखना है, वो नहीं रहने दे और हम रखते कि ऐसा ही है, ऐसे करके हम हमारे अंदर स्थिर रहे, वो सबसे बड़ी बात होती है। इधर फोर्स इतना आता है, इतना कर्म का फोर्स आता है, देखने वाले तो हम है वो तो मालूम हो गया, बट जो फोर्स आता है उसमें लपस जाने के लिए बहुत रहते हैं, वही कर्म। इसलिए फोर्स आता है, इसका मतलब क्या है कि आप उस समय जो ज्ञान में रहना चाहिए वो ज्ञान में नहीं रहे, और ज्ञान में नहीं रहे तो अपना आनंद जो होना चाहिए वो हमें आनंद नहीं होता है, बाकी कुछ दूसरा नहीं होता है, चार्जिंग वाला नहीं होता है, समझे? बराबर जी, सिर्फ आनंद नहीं आता है उस समय, हम इतने समय नहीं रहे, वो समय जो संजोग आया इसमें नहीं रहे तो अपना आनंद नहीं रहता है, बाकी चार्जिंग तो होता ही नहीं है।
इसलिए दादा भगवान बार बार बताते थे कि आपको अभी चार्जिंग करना है तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चार्जिंग करने वाला था वो ही निकाल दिया हमने, तो क्या किया, तुम्हारा कॉज निकाल दिया। हाँ, जो कॉज करने वाला था वो भाव कर्म ही निकाल दिया, अज्ञान ही पूरा निकाल दिया। अज्ञान जब तक है तब कुछ भी करेंगे तब अच्छा या बुरा चार्ज होगा होगा होगा, और जब अज्ञान चला जाता है तो सब क्रिया डिस्चार्ज बन जाती है, लेकिन डिस्चार्ज क्रिया को आपको देखना पड़ता है, बस इतना ही है। तो ये जब दादा ने निकाल दिया, इफेक्ट निकाल दिया, उस पे ध्यान नहीं रहता, वो इफेक्ट में निकाल देता है, उसमें ध्यान रखने का बहुत है कि दादा का तुम अहो 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 था, उसमें ध्यान रखने का, वो निकलने का बाद में ध्यान नहीं निकलना चाहिए, बराबर है। अब गुजराती बोलो ना तो इसमें ज्यादा गड़बड़ हो जाए। मैं दादा ये अपने कड़िया पीछे इफेक्ट अपने शुद्धात्मा बनाया छे એમાં ધ્યાન નથી રહેતું, ને આપણે પેલામાં ધ્યાન રાખીએ છે વધારે એમાં ધ્યાન રહે છે, એના કરતા આપણે દાદાએ જે કડિયા પી છે એમાં ધ્યાન રાખીએ તો દાદા પ્રત્યેની ઓ ઓ ઓ વધતો જાય। इसलिए दादा ने हमारे अंदर जो शुद्धात्मा पद खुला करके दिया है, प्रतीति के रूप में हमें अनुभव करवा दिया है, वो इसमें हम रहते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता है। हम हमारे शुद्धात्मा की सीट छोड़कर, इजी चेयर को छोड़कर अन इजी चेयर पर आ जाने की वजह से ये सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। बराबर क्या होता बराबर तो आप दादा भगवान ने बताया कि आप इजी चेयर पर बैठे रहो और ये अनइजी चेयर वाले को देखते जाओ, क्या बताया। बराबर है बराबर है। जैसे राजा होता है, जैसे राजा होता है तो सामने नृत्यांगना नृत्य करती है तो राजा नृत्य करने नहीं चला जाता है, वो बैठकर देखता है कैसे वो नृत्य कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ कैसा होता है कि हम खुद ही नृत्य करने चले जाते हैं तो क्या दशा होगी, ऐसी होगी ना। इसलिए हमारे जो हमें जो पद दिया है वो पद में आप अच्छी तरह से रहो, बस इतना ही दादा भगवान बताते। अपनी सीट को मत छोड़ो, क्या बताया, क्योंकि सब दूसरी जो जो चीज है वो गड़बड़ वाली है और आपको गड़बड़ करवा देगी। बराबर, इसलिए इसको छूना मत, आएगी तो सही लेकिन इसको छूना मत। बराबर, इतना ही रखने का। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी सबको जय सच्चिदानंद। नवीन जय सच्चिदानंद, जरा देर से बोलिए। हाँ जी, वो ये पद है, हे सीमंद स्वामी तुम शरणों मां, CD 5। हाँ जी, शरणों मां ले जो। हाँ, शरणों मां मतलब वो समझना है। नहीं, वो इसमें एक लाइन है, निद्रिल निद्रिल ने जागृत कर नित सपना मा रेजो। ये जो लिखा है नित सपना मा रेजो, इसका क्या अर्थ है। तो के निद्रिल को जागृत करने का मतलब क्या है, तो के अभी तक जो सोए हुए थे आत्मा के बारे में, अंदर के बारे में हम जो सो रहे थे उसको निंद्रा बताया गया है, नींद बताई गई है। तो के वो नींद में से जो जागते हैं ना वो जागा हुआ बोला जाता है उसको। तो के जो रातों रात में जो आता है वो भी सपना है, क्या है कश्यप जी, रात को आते हैं वो भी सपना है, और अभी हम जो जी रहे हैं वो 3 शरीर का सपना है। हाँ जी, कहाँ है, निद्रिल ने जागृत कर नित सपना। हाँ, तो के मतलब सपना में रहने का मतलब क्या है, तो ये 3 शरीर का सपना है। जो कश्यप जी है ना वो 3 शरीर का सपना है। रात को ये स्थूल शरीर सो जाता है और 2 शरीर होता है रात को, और दिन में 3 शरीर काम करता है, ये स्थूल शरीर भी काम करता है, इसीलिए 3 सपने ये सपने में आप हमें हाजिर रहना, नित्य रहना। नित रहना मतलब हरदम रहना, साथ में ही रहना। दादा भगवान ने जो जागृत करके दिया है, नींद में से हमको जगाया है, तो हम पूरी तरह नींद में नहीं रहे और इसमें जागते रहे, और हम
तो के ये सपना ये शरीर के साथ हमारे अंदर ज्ञान काम करे ऐसा बताया गया है। समझ समझ में आया कृष्ण जी? हाँ जी। फिर उसको नीचे थोड़ा लीजिए तो उसमें एक लाइन है, कदी निकली मूर्ति बाहर अमृत छांटी धाजो। ये धाजो का क्या अर्थ होता है? अमृत छिड़कने का छिड़कने के लिए बोलते हैं। एक मिनट है, आने दो जरा। ये है समृद्ध समृद्ध कल्याण से शुरू होता है। बराबर छे, बराबर है। तो के कल्याण समर्थ, तो के जिसका पूरी तरह से कल्याण हो चुका है, पूरा समझाता हूं, जिसका पूरी तरह से कल्याण हो चुका है, जो कल्याण स्वरूप ही है, जो समर्थ है, आत्मा के बारे में सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे श्री सिमंदर स्वामी है, उनको बोलते हैं अवनी मतलब ये भूमि ऊपर आप आके विचरण करो, विचरण करो मतलब यहाँ आके आप घूमते जाओ, ये अवनी पर आकर घूमते जाओ, ये आप मूर्ति में मत बैठे रहो। कैसे क्या बोलते हैं, आप कल्याण स्वरूप है तो मूर्ति के बाहर निकलो और अमृत की छांट धाजो। धाजो का मतलब क्या है कि आपके अंदर अमृत जो बरस रहा है, अमृत का मतलब पूरी तरह से अंदर शुद्धात्मा का अनुभव रहना। अच्छा। तो जो शुद्धात्मा का अनुभव आपके अंदर हो रहा है तो के अमृत जो बरस रहा है उनको ये भूमि पर डालते जाइए, आप मूर्ति में से बाहर निकलो और उसका छंटकाव करते जाओ, आप छंटकाव करते जाओ। हाँ, तो के मैं छाती ठोक कर बताता हूं कि आप संजीवनी रूप हो। कैसा है संजीवनी रूप हो, आपके अंदर पूरी शक्तियां खुली हुई है, अनंत शक्ति खुली हुई है, तो मैं आपको वंदन करके छाती ठोक कर बताता हूं कि आप मूर्ति में से बाहर निकलो और सबके अंदर आप शुद्धात्मा का अनुभव करवाओ, भान करवाओ, जिससे ये शरीर होते हुए भी हमें मुक्ति का अनुभव होता जाए, दुख होते हुए भी दुख हमें लगे भी नहीं, दुख का एहसास भी नहीं हुए, ऐसा आप कुछ करो हमारे लिए, ऐसा बोलते हैं। आप समर्थ हो इसलिए। जी समझ में आया। उसका नेक्स्ट एक लाइन है, प्रभु एकज वार दियो स्थावर जंगम दर्शन। प्रभु एकज वार दियो स्थावर जंगम दर्शन, त्या शिक्को लागी जैसे सिद्ध मार्ग मोक्ष अफर, मुझ पापण सीवी लई पछी क्याथी बार जसो। तो के सिमंदर स्वामी भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं कि भगवान एक बार स्थावर का मतलब जो हमें दो आंखों से दिखाई देने वाली चीज, जैसे मकान होता है ना उसको स्थावर मिलकत बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्थावर, और जंगंगा मतलब यहाँ से यहाँ जाने वाली चीज। तो दोनों तरह का दर्शन दोनों तरह का। हाँ, तो क्या आपका मूर्ति के रूप में जो दर्शन है वो स्थावर है, क्या है? हाँ। और जंगम तो तक आप मूर्ति के बाहर आओ और हमें दर्शन दो, जिस तरह हमारा शरीर है या शरीर पूरी भूमि में विचरण कर रहा है, ऐसा आप भी विचरण करो, ये जंगम दर्शन दो आप सबको। अच्छा। तो क्या ऐसे दर्शन आप देंगे तब हमारे अंदर सिक्का लग जाएगा, क्या लगेगा कि आपका मोक्ष हो गया है अभी, क्योंकि उनके लास्ट में उनके दर्शन ही बाकी रहेंगे हमारा। दादा भगवान इतनी सारी भूमिका तैयार करके हमें सिमंदर स्वामी भगवान के पास भेजेंगे और वहां भेजेंगे और सिमंदर स्वामी थप्पा लगा देंगे, सिक्का लगा देंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हमारा जो मार्ग है मोक्ष मार्ग है, तो कि हम इसके उनके पास जाएंगे तो हमारी सिद्ध गति हो जाएगी, मतलब के शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास से आपके पास हम आएंगे, अफर मतलब कभी भी नहीं घूमने वाला, कभी भी नहीं फिरने वाला, अफर क्या बोलते हैं निश्चित, अफर नहीं फिरने वाला, नहीं फिरने वाला। हाँ, तो कि हमारा सिद्ध गति में ही चले जाएंगे, ये संसार में वापिस कभी भी नहीं आएंगे, अफर है, आप जो बोलेंगे वो आपका जो सेंटेंस है, आपका जो आपकी वाणी है वो अफर मतलब कभी फिरने वाली नहीं होती है वो वाणी सिमंदर स्वामी भगवान की। इसीलिए बोलते हैं जब भी आप जंगम दर्शन लेने के लिए बाहर आओगे ना, तो ये मेरी पापन है, पापन ये आंख की होती है ना ऊपर वाली, तो कि मैं बंद कर लूंगा उसको,
और उसको पापी पापी पापन पापन मतलब ये आंखों के ऊपर जो होता है ना ये पाप पलके पलके आईलिड अच्छा अच्छा वो पलके होती है ना तो क्या आप मेरी आंखों में आ जाओगे ना तो मैं आंखें बंद कर दूंगा और सिलाई कर दूंगा बाद में आप कहां से बाहर जाओगे मतलब कि आप हमारे अंदर रहोगे ना तो हमारा अंदर अनुभव होता जाएगा अच्छा चलता जाएगा और इस संसार से हम बाहर निकलते जाएंगे क्योंकि भगवान का हमारे अंदर वास हो गया इसलिए भगवान हमारे अंदर रहते हैं इसलिए क्योंकि भगवान हमारे अंदर रहते हैं तो जैसा भगवान का अनुभव था वैसा अनुभव हमें रहता जाता है इसलिए बोलते कि पलक को मैं बंद कर दूंगा और बाद में मैं ऐसी सिलाई कर दूंगा तो कि आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे कहते ऐसे बता रहा है सेंटेंस में जी समझ में आया क्योंकि भगवान मोक्ष स्वरूप होते हैं कैसे होते हैं तो कि हमारे अंदर उसका विराजमान हो जाएगा तो हम भी मोक्ष में रह पाएंगे हमारा आत्मा भी प्रकट हो जाएगा प्रकट तो किया हुए लेकिन प्रत्यक्ष होता जाएगा क्योंकि सिमंदर स्वामी भगवान के पास आत्मा प्रत्यक्ष हो चुका है मतलब के अनुभव दशा में ही है उनको कोई अवलंबन की जरूरत नहीं है वो निरालंब हो चुके हैं क्या है निरालंब अभी हमारे पास अवलंबन है मैं शुद्ध आत्मा हूं ये सब अवलंबन है जहां हमें रखना पड़ता है वो अवलंबन है जहां रखना नहीं पड़ता है और सीधा अनुभव काम करता है उनको निरालंब दशा बोला जाता है जी सही है नहीं है समझ में आया तो हाँ जी समझ में आया उसके बाद एक लाइन है दिल धड़कन सुन उसके आगे वाले पैराग्राफ में दिल धड़कन सुनता श्री जीव छूटे छे देखो ये नहीं समझ में आया ये क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा ये पता है इसलिए जैसे दादा भगवान ने हमारे चित के अंदर जैसे सत चित और आनंद तीन शब्द है तो कि हमारे चित के अंदर पहले जो जगत अंदर चल रहा था हमारे चित में पूरे जगत दिख रहा था तो कि अभी हमारे अंदर शुद्धात्मा की प्रतीति करवाने से पूरे चित में जहां जहां हम देखते हैं वहां भगवान के दर्शन होते हैं इसलिए चित में भी आप हमारे चित में आप समा गए हैं इसलिए चित में भी आपका ही दर्शन हो रहा है चित्रा मतलब पेंटिंग करते हैं पेंटिंग कश्यप जी इसको चित्र ना बोलते हैं गुजराती में पेंटिंग करते हैं तो कि आपका पेंटिंग हमारे अंदर चित में हो चुका है आप ही हमारे लक्ष्य में रहते हैं जहां जहां हम मनुष्य को देखते हैं वहां शुद्धात्मा के दर्शन होते हैं तो कहते हैं हमारी जो मन की गांठे है ग्रंथि होती है मन की अंदर ग्रंथि होती है ना तो के प्रभु वो ग्रंथि में भी आप समा जाओ तो के ग्रंथि में भी जैसे मन बार बार दूसरी चीज दिखा देते हैं ना विचार आता है ना तो कि आप हमारी ग्रंथि रूप बन जाओ जिती हमारे विचार में भी आप रहो क्या बोलते हैं प्रभु मन की ग्रंथि में भी आप रहो जैसे विचार आए तो प्रभु प्रभु की याद आए प्रभु दिखाई दे प्रभु का विचार आए ऐसी हमारी गांठ भी ग्रंथि भी आप बन जाओ और विचारो विचरो जो विचारे इसलिए के विचार जो आते हैं इसमें भी विचरण आपका ही हो जैसे अभी विचार आते हैं हमारे तो दूसरा कुछ भी दिखता है ना हमें तो कि अभी विचार भी आए ना तो भी आपका विचरण हमारे अंदर रहे कि श्रीमंत स्वामी का ही विचार हमें आए और हमारे संचार श्वासों में भी जैसे हमारा श्वास बाहर निकलता है तो पहले मैं नवीन आनंद जी हूँ ऐसे अंदर श्वासों में से निकल रहा था लेकिन अभी मैं शुद्धात्मा हूँ श्वासों में से भी ऐसा हमारे निकल रहा है तो कि अभी हमारी दिल की धड़कन क्या कहती है और क्या सुनाती है तो के जब हमारा ये जीव छूट जाए हमारे शरीर छूट जाए तो सीधा हम आपके पास आए और हम आपको ही देख पाए ऐसा भगवान आप हमारे हमको ऐसा करके दो। अच्छा ये कहना चाहिए हमारी धड़कन बार बार बोलती है बार बार सुनाती है कि जब मेरा ये जीव छूट जाए मेरा ये शरीर छूट जाए तो मैं जहां भी जाऊं तो आपका ही श्री दर्शन हुए ऐसा प्रभु आप हमें करके दो। समझ में आया
उसके बाद एक के नीचे है जो एक लाइन है कया संबंधा से शुरू होता है, वो उसमें थर्ड लाइन जो है चू निवल निवल सत्कामी करुणा निवल क्या होता है? निहिवर मतलब किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, अलग बिल्कुल, निहिवर मतलब बिल्कुल अलग, शुद्धात्मा मतलब शुद्धात्मा का ही लक्ष्य पूरे दिन रहना, बीच में कुछ भी नहीं आना, आत्मा के अनुभव में, ऐसी मेरी सत कामना है। क्या बोलते हैं भगवान को, मैं बिल्कुल अंदर से अलग रहूं, ये शरीर और मैं बिल्कुल अलग रहूं, ऐसी मेरी सत कामना है जी। इसीलिए भगवान मैं आपको विनंती करता हूं कि आपकी जो नजरिया है, आपकी जो नजर है, वो करुणा हमारे ऊपर इतनी बरसाओ, और आप हमको, आपको टेढ़ों को क्या मदद, गोदी में, हाँ हमको ऐसी गोदी में रख दो, हम तो चल नहीं सकते, हम चल नहीं पाते, तो आप गोदी में हमें रख दो, और आपके पास जैसी नजरिया है करुणा भरी, तो कि हमारे अंदर भी ऐसी करुणा डाल दो, तो कि हम पूरे समय आप जैसे अलग रहते हैं आत्मा और अनात्मा से, वैसे हम भी निहिवर रह पाए, बिल्कुल भिन्न रह पाए, ऐसा आप हमें करके दो। ठीक है सर, एक लास्ट मैं पूछूंगा, फिर आप दूसरे का चांस देंगे। कया पद गुंजन धुन थी सत्संग, अगला वाला है, कया पद गुंजन धुन थी सत्संगे स्पर्श स्व व्यक्त पद गुंजति ब्रह्मांडे स्पंदियो छु ज्ञानी नो आशीर्वाद जगत कल्याण छे जो। ये कहना चाह रहे कि कौन से गुंजन धुन से सत्संग स्पर्शो छु, ऐसे कुछ समझ में आ रहे हैं, थोड़ा ये बताइए। हाँ जी, तो कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा पुण्य काम कर रहा था, पद मतलब अपना खुद का पद, स्व पद की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, इसमें कितना सारा हमारा पुण्य होगा, कितना सारा पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, तो मुझे इस सत्संग में बैठने का मिल रहा है, सत्संग का स्पर्श मिल रहा है, एक ज्ञानी पुरुष हमारे सामने हमें मिल रहा है, मेरा ऐसा कैसा पुण्यानुबंधी पुण्य है जिससे मुझे सत्संग की प्राप्ति हुई है, इसको टच करने का, स्पर्श का मतलब टच करने का, क्या जिसे मुझे टच करने का मिला, सत्संग में बैठने का मिला, अनुभव करने का मिला, मुझे मेरा कैसा पुण्यानुबंधी पुण्य है, अंदर गुंज रहा है, ऐसी धुन बज रही है पुण्यानुबंधी पुण्य की, वो बता रहे हैं इसमें कि मुझे सत्संग मिला। हाँ, ये सत्संग मिला, सत्संग का मतलब अपने आत्मा से नजदीक रहना, आत्मा में रहना, वो सत्संग है। क्या है? आत्मा में रहना। हाँ, वो ऐसा मुझे सत्संग मिला, आत्मा में रहने का मुझे मौका मिला, ऐसा स्कोप मिला, वो मेरा कैसा पुण्य है, भगवान को हम बोलते मेरा कैसा पुण्य, मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मुझे ऐसा मिलेगा, फिर भी मिला है, तो मतलब कि पुण्यानुबंधी पुण्य तो कुछ होगा, कुछ भाव तो किया होगा कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, तो ये मुझे मिला है भगवान जी। फिर ये okay, अभी हमें जो मिला है स्व पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्व पद, आत्मा का जो आपको प्रतीति करवा है उसको स्व पद बोलते हैं, आत्मा के अनुभव को स्व पद बोलते हैं, तो के अभी जितना भी हमारा व्यक्त हुआ है, मतलब खुला हुआ है, ओपन हुआ है, जितना हमारा आत्मा का अनुभव खुला हुआ है, व्यक्त हुआ है, और ब्रह्मांड मतलब ये पूरा शरीर, तो के इसमें से एक एक स्पंदन ऐसे निकल रहा है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त हो रहा है, ऐसा अंदर से गुंजन हो रहा है, ऐसा अंदर से बोल रहा है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, अपने ब्रह्मांड में से ऐसे स्पंदन निकल रहा है, और ऐसा हो ही रहा है क्योंकि हमारे ऊपर ज्ञानी का आशीर्वाद है, इसीलिए ये कश्यप जी रूपी जगत का कल्याण हो ही रहा है जी। समझ में आता है। हाँ जी, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
चिंता बहन कौन है? चिंता बहन कहाँ है? ए वो तरुबेन के फ्रेंड है। हाँ जी, ओ वो पता है वो तो। त्रिप्ता बहन बोलो कहाँ हो? बोलिए महात्मा। म्यूट कीजिए। प्रश्न महात्मा जब आगे हेमा देवी को पूछना है तो पूछो, कश्यप जी को पूछना है तो पूछो। बोलो ना, यहाँ से बोलो। एक ये प्रश्न था कि आपने कहा कि कोई भी निश्चय करते हैं तो जैसे अपनी विधि है या टीम का है तो निश्चय कच्चा बढ़ जाता है। जैसे ही कुछ टास्क है कि जैसे सपोज सुबह की फ्लाइट लेके कहीं पहुंचना है तो माइंड काम करता है और फटाफट हम लोग उसमें करने लग जाते हैं, बाकी रूटीन में या तो लेजीनेस बोले या निश्चय की कमी बोले तो उसको कैसे हो? जैसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मेरे बाजू में बैठे हैं पीयूष जी बैठे हुए हैं, वो प्रश्न पूछते हैं कि जैसे हमें कोई काम के लिए फ्लाइट पकड़नी है, काम पर जाना है, तो हम तुरंत ही कोई भी आलसी आलस नहीं होते हुए भी वो हम काम पर तुरंत ही चले जाते हैं, लेकिन कोई विधि करना है, कोई पाठ करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, तो इसमें हमारी इतनी तीव्रता नहीं होती जितने वो कामों में होती है। तो मैं बताता हूं कि जैसे तीव्रता उसमें किस तरह की है, तो उसमें हमें वैल्यू समझ में आई है। क्या है? जितनी जितनी वैल्यू समझ में आती है उनके पीछे हम लगे ही रहते हैं। अभी उनकी वैल्यू इतनी समझ में नहीं आई है कि उनकी वैल्यू क्या है, और वो बोलने से, वो करने से, इसमें रहने से हमें क्या फायदा है, वो समझ में आ जाएगा ना, तो उसकी भी तीव्रता आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए भगवान ने बताया कि हमारे अंदर शक्ति तो पड़ी हुई है, लेकिन शक्ति का भी इस्तेमाल करो, उसको कीमत समझाओ कि कितने जन्मों के बाद, लाखों युग के बाद हमें आत्मा का अनुभव हुआ है, तो हमें आत्मा की पूर्णाहुति कर लेनी है, आत्मा में स्थिर होना है, मोक्ष जाना है, मुक्ति पाना है, ऐसा दृढ़ रूप से होता जाएगा तो आप जैसे फ्लाइट पकड़ने के लिए तीव्रता से चल पड़ते हैं, तो कि ऐसा इसमें ही रह पाएंगे। बस सिर्फ ऐसा निश्चय करते जाओ, वैल्यू समझाते जाओ और उनको बताते जाओ कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप इसके पीछे रहेंगे रहेंगे रहेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनको नहीं रहना है ऐसा नहीं है, जो नहीं रहना है तो उस तरफ भी नहीं रह पाते हैं, लेकिन वहां रहते और यहाँ नहीं रहते हैं, इसका मतलब क्या था? जहां वैल्यू होती है वहां वो चला ही जाता है। इसलिए वैल्यू समझाने की जरूरत है, जितनी वैल्यू उनकी कीमत समझ में आती जाएगी तो अवश्य अपने आप होता जाएगा। वो समय भी कुछ नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं, कितने रात को लेट सोते हो गए तो भी वो अपनी विधि के लिए तैयार हो जाएंगे, विधि बोलेंगे, क्योंकि इसको कीमत समझ में आ चुकी है। इसीलिए मैं कभी कभी 3 बजे भी सो जाता हूँ और दीपक आनंद जी रखते हैं 6:30 बजे की विधि, तो भी मैं बैठ जाता हूँ। मुझे पता है कि मुझे मुक्ति पाना है, मुझे मोक्ष जाना है, ये दुनिया में अभी भटकना नहीं है, ये दुनिया में फिर से नहीं आना है, एक अवतारी होना है, ऐसा निश्चय होने की वजह से हमारे पांव उस तरफ दौड़ते जाते हैं। इसलिए जितनी वैल्यू समझ में आती है, कीमत समझ में आती है, तो आप रह ही पाते हो। यही सच्चिदानंद है कोई? लिखा हुआ। कुल भाई, हेमा बहन,
एक मिनट, जरा एक प्रश्न है दीपकान जी, एक भेजा है आज हिंदी वाला, जहां त्याग ग्रहण में मूर्छा नहीं है उसे भगवान ने सच्चा त्याग कहा है, सहज ही बढ़ते ऐसे त्याग को त्याग कहा है। है सूत्र आपके पास कि मैं बोलूं यहां से? आपने बोल दिया ना। हाँ जी, तो बोलूं ना, चलेगा ना? हाँ, और बैठे हैं वहां मेरे पास ही बैठे समझने वाले, चलेगा ना? हाँ हाँ, किसी सबको सुना लेंगे, फिर से बोलूं सूत्र। एक सूत्र है आज रखा हुआ है हिंदी में, जहां त्याग ग्रहण में मूर्छा नहीं है उसे भगवान ने सच्चा त्याग कहा है, सहज ही बढ़ते ऐसे त्याग को त्याग कहा है। मतलब त्याग करने का मतलब जगत के लोग क्या समझते हैं कि ये वस्तु मैंने छोड़ दी, ये चीज छोड़ दी, वो चीज छोड़ दी, ये खाना छोड़ दिया, यहाँ जाना मैंने छोड़ दिया, और ग्रहण के मतलब क्या? तो मैंने इतनी किताब पढ़ ली, इतना प्रतिक्रमण कर लिया, इतना सामायिक कर दिया, वो ग्रहण करने का बोलते हैं। तो भगवान ने बताया कुछ करने के बाद आपको वो फिर से याद नहीं आए, मूर्छा का मतलब बार बार वो उसकी याद आना, मैंने इतना त्याग किया है, मैंने इतना छोड़ा हुआ है, इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर मैं साधु बना हूं, ऐसा आपको कुछ भी याद रहा नहीं, वो त्याग नहीं है। मूर्छा का मतलब त्याग करने के बाद उसको याद नहीं आना चाहिए, कुछ भी ग्रहण किया तो इसके बाद आपको याद नहीं आना चाहिए, भगवान ने उसको सच्चा त्याग बताया गया है। मतलब कि अपने आप रहता है, इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि जितनी आपके अंदर समझ होती है ना तो अपने आप त्याग हो जाता है, त्याग करने की जरूरत नहीं बोलती है, अपने आप त्याग सहज रूप में रहता है हमारे अंदर। समझ जितनी पक्की होती है तो त्याग सहज रूप में रहता है, त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप त्याग हो ही जाता है। इसलिए भगवान ने वस्तुओं को त्याग को त्याग नहीं बताया, वस्तुओं के त्याग को त्याग नहीं बताया है, वस्तु के पीछे जो मूर्छा है लगा हुए वो त्याग को भगवान ने सच्चा त्याग बताया है। मतलब कि याद नहीं आना चाहिए, छोड़ने के बाद, छूट जाने के बाद, तो वो सच्चा त्याग, सच्चा त्यागी, सच्चा त्याग बताया गया है। कुछ भी ग्रहण किया, कुछ भी त्याग किया तो याद नहीं आना चाहिए आपको, बराबर है दिवाकरण जी? यही सच्चिदानंद, आगे बढ़े। हाँ जी, बोलिए हेमा बहन। श्रेणी नंबर 15, दिव्य देवी तो कहे एक स्वभाव वाले। नंबर बोलो ना, सूत्र नंबर बोलिए। सूत्र नंबर तो नहीं लिखा, तो फिर 15 बोलने का मतलब नहीं बंदर ना है क्या ना? ढूंढेंगे, बोलिए। मने लगे 35 लगे, 35 के 34। बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। दिव्य दृष्टि केवी तो कहे एक स्वभाव वाली, एटले बधु एक ज जुए, बीजू देखाय नहीं, पोते एक स्वभाव वाली अने पोते पोताना स्वभाव थी बधामा पोताना स्वभाव थी जुए। आ समझाय खरु पण अंदर नो गुहाड़ ना समझाय। तो के दिव्य दृष्टि का स्वभाव कैसा है कि वो दिव्य दृष्टि से ही देखता है, मतलब के सामने वाले को देखते हैं तो उनको पक्का रूप से रहता है कि सामने वाला रिलेटिव व्यू पॉइंट से हेमा बहन है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा ही है, इसके अलावा उनको दूसरा कुछ भी दिखता नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि बाकी का भाग उनका निकाली है, उनमें पढ़ने जैसा नहीं है, इसीलिए उनकी दिव्य दृष्टि से, उनके अंदर दिव्य दृष्टि से दिव्यता का ही दर्शन करते हैं, मतलब कि शुद्धात्मा का ही दर्शन करते हैं। उनका मतलब है कि वो अपने स्वभाव में रहता है तब वो दिव्य दृष्टि का ऐसा उपयोग हो सकता है। ब्यूटीफुल जवाब आप, बहुत सरस जवाब आप। इसलिए दिव्य दृष्टि के अलावा उसके पास कुछ रहता ही नहीं है, ये बाहर का भाग देखते ही नहीं, इसलिए दादा भगवान बोलते थे ना कि हम आपका बाहर का भाग बिल्कुल देखते नहीं है, और देखते हैं तो कैसा देखते हैं कि रिलेटिव व्यू पॉइंट है, हम क्या करते हैं इसको रियल मानकर चलते हैं बाहर का भाग को, लेकिन दादा भगवान रिलेटिव को रिलेटिव ही देखते थे
और रियल को रियल ही देखते थे, इसलिए उनको कहीं भी कुछ भी नहीं होता था। और हम क्या करते हैं, हमारे साथ में होते हैं रिलेटिव, तो के रिलेटिव को हम सच्चा मानकर चलते हैं, इसीलिए दिव्य दृष्टि बाजू पर रह जाती है और उनको सच्चा मानकर चलते हैं, इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है। तो के दिव्य दृष्टि को ऐसा रखो कि वो शुद्धात्मा ही है, अपने ऊपर कुछ भी करे, हमको गाली दे, हमको अपमान करे, कुछ भी करे, तो भी हमारी दिव्य दृष्टि वहां से हटनी नहीं चाहिए, वो शुद्धात्मा ही है, निर्दोष ही है, ऐसी दिव्य दृष्टि उनको रहती है। तो एक दफा क्या होता था, सूरत में दादा के लिए नाश्ता मैं लाई और नाश्ता लिपटने का था सब, तो मैंने कलेक्ट किया, तो बाद में वो सी आई तो उसने उठाया, तो दादा ने बोला हेमा तुम उसमें देखो मैं ही करता हूँ, तो उसमें मैं हूँ, जो लड़की आई मेरे सामने उसमें मैं ही हूँ, बराबर। तो दादा ने बोला ऐसा, तो मेरे ये मगज में ऐसा घुमा के यू ऐसा कैसा दादा बोलता है कि मैं हूँ, वो सिद्धांत है ना। इसलिए क्या होता है कि जो नाश्ता लेकर आती है लड़की, कम नाश्ता लेकर आने वाली लड़की को देखते हैं, लेकिन दादा की दृष्टि कैसी होती है कि जो लाने वाला है वो इसमें मैं ही हूँ, मतलब के बाद में नाश्ता कैसा भी आता है, हमें शूट होता है नहीं होता है, तो वो लड़की ने नहीं बनाया है, हमने ही बनाया है, उनके अंदर मैं ही बैठा हूँ, इसलिए कुछ नेगेटिविटी शुरू नहीं होती है उसके अंदर। ओहो, तो इसमें कितना तारण आ गया कि दादा ने सब तारण निकाल के बोला, हमने ऐसे ऐसे ही बोल दिया कि जहां जहां हमारी नजर जाती है ना वहां मैं ही हूं सभी जगह पर, समझ में आए। जब मैं हाँ ऐसा होता है तो उनको कुछ भी अंदर खड़ा होता नहीं है, दूसरी कोई भी दृष्टि खुलनी नहीं होती है, वो भगवान वाली दृष्टि दिव्य दृष्टि ही काम करती है। जैसे दीपक आनंद जी कभी कभी बोलते हैं ना कि आपको बोलने को नहीं मिला, तो दीपक आनंद जी बताते हैं ना जो बोल रहे हैं इसमें मैं ही बोल रहा हूँ, नहीं तो उसको ऐसा लगेगा मुझे बोलना नहीं मिला, मुझे बोलना नहीं लगा, वो तो अपनी दृष्टि का यूज हो गया वो, और वो दिव्य दृष्टि का यूज हो गया। जहां जहां दिव्य दृष्टि यूज होगी वहां आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दिव्य दृष्टि जहां यूज नहीं होगी वहां आपको प्रॉब्लम खड़ा होता जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा बताया कि जो लाने वाली लड़की है वो उसमें मैं ही हूँ, क्या बताया मैं ही हूँ, तो उस समय उसमें मेरे को ऐसा लगता है, अभी तो मशीन जो चलता है उसमें तो आपको दो प्रतिक्रमण खपे, वो उसमें शुद्धात्मा नहीं देखा, वो याग्ना का प्रतिक्रमण और तुम्हें वो प्रसंग चुक गया उसका प्रतिक्रमण, दो खप्पे ने, तो इससे तो कितना कितना जागृति रखना पड़ता है, तो छोटी छोटी बात आती है उसमें कितना प्रतिक्रमण चाहिए, तो टाइम जहां जहां शुद्धात्मा नहीं देख पाते हैं वो हमारी गलती ही है, पहले की दृष्टि ही काम कर रही है, और पहले की दृष्टि जहां जहां काम करेगी वो दृष्टि हमें मार खिलाने वाली है, उससे मार ही पड़ती है हमें। इसीलिए भगवान बोलते हैं हमारी दृष्टि में आ जाओ, हमने जो दृष्टि दी है वही दृष्टि का इस्तेमाल करते जाओ, उनका उपयोग करते जाओगे तो आपको आनंद रहेगा और मार नहीं पड़ेगा आपको। बराबर छे, बराबर छे। એટલે એમાં લખ્યું છે મોક્ષ માર્ગ બે જ અક્ષરનો છે, આજ્ઞા। इसलिए बताया ने कि आज्ञा वही धर्म है, आज्ञा वही तप है, और जहां जहां आज्ञा होगी वहां हम हाजिर रहेंगे, मतलब हम हाजिर रहेंगे मतलब क्या, आज तक आप शुद्धात्मा पद में रहे वो दादा की हाजिरी ही है, दादा हाजिर ही है, इसलिए शुद्धात्मा जितना जितना मैं याद रहता है वो समझ लेना कि दादा वहां हाजिर है, उनकी आज्ञा हाजिर है और आप मोक्ष स्वरूप रह पाएंगे। तो पाची એમાં 47મું વાક્ય છે પાછું, વિજ્ઞાન સમજાય એના માટે જ આ સત્સંગ છે, હવે તમારે વિજ્ઞાન તમને સમજાવવું જોઈએ, છૂટા પડીને જે સમજાય એનું નામ વિજ્ઞાન કહેવાય, એ જ એના માટેનો આ સત્સંગ છે, આ બધું સમજ સમજવા માટેનો સત્સંગ છે। ये 47 नंबर वाला है ऐसा सेंटेंस, 47 पाना नंबर 15,
47 ઘણી વાર કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે હિન્દીમાં બોલો ઘણી વાર કે ગુજરાતીમાં બોલો ઘણી વાર ઇંગ્લિશ કરી દે છે મેં હિન્દી કર દઉંગા આપ ગુજરાતી બોલો એક ગરબડ સમજાય એના માટે સત્સંગ છે હા 47 વિજ્ઞાન સમજ મે આયે ઇસીલિયે યે સત્સંગ હે બરોબર હા તો વિજ્ઞાન કા સમજને કા મતલબ ક્યા તો એ સત્સંગ મે બેઠે બેઠે विज्ञान कैसे काम करे वो हमारे अंदर फिटिंग होना चाहिए। तो के विज्ञान का मतलब क्या, तो के जैसे आपको दृष्टि मिली है वही दृष्टि का आप उपयोग कर उपयोग करते जाएंगे तो समझना कि आपने विज्ञान का उपयोग किया है। मतलब के इसके लिए ये सत्संग है, विज्ञान समझने के लिए सत्संग है। तो के जैसे जैसे आप सत्संग में बैठते जाएंगे तो आपको समझ में आएंगे कि ऐसे हमें रहना है, ऐसे दृष्टि का उपयोग करना है, ऐसा संयोग आए तो हमें कैसे रहना चाहिए। ये विज्ञान आपको समझ में आता जाएगा सत्संग के माध्यम द्वारा। तो अपने आप कैसे अपने आप कैसे सत्संग कर सकते, तुम विचार आता है उसको देखने का नए स्वरूप से वही सत्संग है। जो आप दादा भगवान ने जो दृष्टि दी है कि मन में जो जो विचार आते हैं और विचार को आप देखने वाले बन जाते हैं तो वो सबसे बड़ा सत्संग ही है। अच्छा। सत्संग का मतलब आपको जो पद दिया है वो ही पद में रहना, वो सबसे बड़ा सत्संग है, परम सत्संग बोला जाता है उनको। क्योंकि ये सत्संग में बैठे बैठे वो विज्ञान कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, वो समझ में आता है। देखो दूसरा सेंटेंस है इसके बाद का 48 का, काम काढ़ी ले एटले के विज्ञान समझ करवानो। तो के काम निकाल देने का मतलब क्या, तो के विज्ञान को समझ करने का है। जितनी समझ आपको फिट होती जाएगी इतने आपका मन वचन काया के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में आज्ञा समझ में आती जाएगी आपको। कैसे, तो कि जितनी जितनी आपके अंदर समझ फिट होती जाएगी इतनी इतनी आपको आज्ञा समझ में आती जाएगी कि हम ये मन वचन काया के साथ हमें कैसा रहना है। और हमारे मन वचन काया से साथ रहने को आपको आ गया तो के दूसरे के मन वचन के काया के साथ आप कैसे रह पाएंगे, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अपने मन वचन काय से अच्छी तरह रह पाएंगे आप तो समझ लेने का कि आप दूसरों के मन वचन काय के साथ भी आप अच्छी तरह से रह पाएंगे। एने अक्रम अंदर की बात। हाँ, तो कि अंदर जितनी आपको समझ में आ जाएगा, समझ जितनी आ जाएगी इतना इतना आप दूसरे के साथ कैसा एडजस्टमेंट लेना, कैसा रहना, कहाँ पॉजिटिव दृष्टि का उपयोग करना, कहाँ निर्दोष देखना, वो बात सब आज्ञा से समझ में आती जाएगी आपको। इसलिए समझ बहुत बड़ी बात है। समझ हमारी हमारी बहुत बड़ी मिलकत है, प्रॉपर्टी है हमारी। क्या है समझ, જેમ જેમ સમજ વધે એ ડેવલપની બરાબર, તમે જેતે સમજ બઢતી જાતી હે ને તો આજ્ઞા અપને આપ ઇસ્તેમાલ ઉપયોગ હોતા જાયેગા ઇસકા। સમજ કી જરૂરત હે, અભી આજ્ઞા તો મિલ ચુકી હે હમે લેકિન ઇસકે પીછે સમજ નહીં હે। સમજ નહીં હે તો ઇસકા ઉપયોગ નહીં હોતા હે। જીતના જીતના સમજ મે આતા ઇતના ઉપયોગ હોતા હે। જેસે આપકે પાસ રિમોટ કંટ્રોલ હે ટીવી કા, તો આપકો જેસે જેસે સ્વિચ સમજ મે આતી જાયેગી ને तो आप इसका अच्छी तरह से उपयोग करते जाओगे। रिमोट कंट्रोल तो दे दिया, टीवी भी दे दिया, लेकिन आपको उपयोग करना नहीं आता तो कैसे करोगे उपयोग। लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाता है वो समझ में आ जाए तो आप अच्छी तरह टीवी में आपको जो देखना है, जो चैनल देखना है, ब्राइटनेस करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, चैनल बदलना है, सब आपको पता चल जाएगा। वो तो समझने की जरूरत नहीं पर अंदर का बहुत समझने की जरूरत है। नहीं, ये वही अंदर वही है। अंदर जितना जितना समझ में आएगा ने तो आज्ञा अपने आप रहेगी। समझ की जरूरत है। आज्ञा तो बहुत सालों से मिल चुकी है आपको, लेकिन अभी जो रहना चाहिए आज्ञा आज्ञा में वो हम नहीं रह पाते, क्योंकि इसके पीछे समझ नहीं है कि ये आज्ञा उपयोग करने से हमें क्या फायदा होता है। वो हमें समझ नहीं होने की वजह से आज्ञा होते हुए भी हमें लाभ नहीं होता है उनका, आज्ञा का। आज्ञा अंदर थी कौन नहीं पाड़वा देतू, एक एक क्या ए, नहीं पाले देते के जो
जो अंदर बैठा हुआ है अभी उनको दूसरी जगह पर सुख लगता है, वो हमें आज्ञा का पालन नहीं करने देते हैं। जिसको अभी बाहर सुख लगता है, आज्ञा में सुख नहीं लगता है, वो बाबा बैठा है ना अंदर, अपने अंदर मैं हूं करता है ना, वो उनको अभी दूसरी जगह पर इंटरेस्ट है, दूसरी जगह पर लेना देना है, इसीलिए वो आज्ञा का इस्तेमाल नहीं करने देता, क्योंकि उसका लाभ चला जाता है। आप आज्ञा का उपयोग करोगे तो उसका स्थान हटता जाएगा और खुद का स्थान आगे बढ़ता जाएगा, खुद का स्थान प्रकाशमान होता जाएगा। अभी तो इसका स्थान प्रकाशमान है हमारे अंदर बाबा का, इसलिए इसका प्रकाश इधर उधर नहीं हो जाए, इसीलिए वो रहने नहीं देता है, हमें रहना है तो भी। बराबर जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी बहन, सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद बोलिए। जय सच्चिदानंद नवीनानंद जी। हाँ जी, ये जो प्रतिक्रमण हम हमारी जहाँ जहाँ जागृति चुक जाती है, तो उस अजागृति का फिर प्रतिक्रमण भी अंदर से प्रज्ञा शक्ति करवा ही देती है। हाँ जी, तो ये जो प्रतिक्रमण हो जाता है अजागृति का, तो ये पुरुषार्थ है या पराक्रम है? हो जाता है वो जागृति है, और जहां जहां नहीं होता है और हम उनको करवाते हैं, वो पराक्रम भाव है। जहां नहीं रहता है और हम रखते हैं और करवाते हैं उनके पास प्रतिक्रमण, नहीं करता है वो, बोलते कहां जरूरत है, नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा है वैसा है, फिर भी हम बोलते नहीं आपको करना ही पड़ेगा प्रतिक्रमण, ऐसे करके जो अंदर पराक्रम होता है उनके पास करवाते हैं, वो पराक्रम भाव है। जहाँ नहीं होने की वजह होती है फिर भी हम उसके पास करवाते हैं, वो पराक्रम है। और जहाँ गलती हो जाती है और तुरंत प्रतिक्रमण हो जाती है, वो जागृति है। क्या है? अच्छा, वो जागृति, जागृति हाँ। से सहज रूप में हो जाता है। और पराक्रम जो होता है तो कि जहाँ ये अंदर से नहीं मानता है कि कहाँ जरूरत है इसकी, कहाँ जरूरत है, और हम बोलते हैं कि ना जरूरत है और आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, और फिर हम प्रतिक्रमण करवाते हैं, तो उसको भगवान ने पराक्रम भाव बताया है। हाँ बराबर, मतलब जो जहाँ भूल है वो भूल वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तभी हमको उसको प्रतिक्रमण करने के लिए बोलना पड़ता है। हाँ चलो पर प्रतिक्रमण करो, बोलते हैं नहीं करने का, हम भी बोलते हैं नहीं करना पड़ेगा। आप एक बाजू बोलते हैं हमको छूटना है और आप बोलते नहीं करना है, कैसा है, चल तुरंत करो, ऐसे करके नहीं करने की उनकी इच्छा होती है, फिर भी हम पराक्रम भाव में आकर उनके पास से करवा लेने का जो भाग है वो पराक्रम भाव है। पराक्रम का मतलब क्या, अंदर जो पकड़ कर बैठा है, उनको अलग, उनको छुटा अलग कर देना, उनको क्या, उनकी पकड़ों से मुक्त करवा देने का, और जो सीधा रास्ता है वो सीधे रास्ते में उनको ला देना, वो पराक्रम भाव है। बराबर, समझ में। और एक पूछो दीपक जी, एक मिनट में वापस आता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद विद्धि। जय सच्चिदानंद नवीन दादा। जय सच्चिदानंद बोलिए। हाँ वो पद पद छे के नरसिंह मीरा अखो तुलसी कबीर जलाराम व्यथा तर छोड़िया जीवतानी शताब्दी वर घोड़ा, तो आमा सु कहवा मांगे थे दीपक जी? मुक्ति सुख एक में है, 80 नंबर का शायद पद होगा, 89 छे, सीडी 89। हाँ है आपके पास मुक्ति सुख? एक वो थोड़ी चाहिए, सीडी 89 चाहिए। PDF होगी इसकी, पद का बिगनिंग क्या है? नरसी मीरा वाला पद का बिगनिंग क्या है? नरसी मीरा अखो तुलसी कबीर, वही इसका टाइटल है। हाँ जी थोड़ा बड़ा करो, नरसी मीरा अखो तुलसी कबीर जलाराम व्यथा तर छोड़िया जीवतानी शताब्दीय वरगोड़ा। मतलब बताते हैं कि जो नरसी मेहता थे, मीरा थे,
अखा जी थे, तुलसी जी थे, कबीर जी थे, जलाराम की व्यथा क्या है, अंदर का उसका दर्द क्या है कि हम जो थे जब जो कहना चाहते थे उनको आप समझ नहीं पाए, और हमको क्या किया उन्होंने, जब जीवित थे वो लोग तब लोगों ने उसको तड़छोड़ मारा, मतलब कि उसको दूर किया, आप बीच में मत आओ, आप बीच में मत आओ, आप तो ऐसे बोलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा जब कहते थे ना, जो जीवित रूप में थे और जब जो कहना चाहते थे वो नहीं समझ पाए, उनकी व्यथा अंदर का दर्द नहीं समझ पाए, और उनकी शताब्दी मतलब जो 100 साल जो आता है ना उसका, उसको शताब्दी बोलते हैं, और उनकी शताब्दी पर ये शोभा यात्रा निकालना वो ठीक नहीं है। वो जब जीवित थे वो क्या कहना चाहते हैं, उसका दर्द क्या था, वो जितना समझेंगे ना तो वो बाद में वो शताब्दी के दिन वो वरघोड़ा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, उस समय उसका काम बन जाता। अभी वो निकालने से फायदा क्या है, वो जो कहना चाहते वो तो समझे नहीं, उनकी व्यथा नहीं समझे, उसका दर्द नहीं समझे। जैसे नरसिंह मेहता बोलते थे ना, जहां लगी आत्मा तत्व चिंध्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। उन्होंने बता दिया कि जो अपना आपने जब तक आपको आत्मा नहीं मिला है तब तक जो आप साधना कर रहे हैं वो साधना आपकी सब क्या बोलते हैं, झूठी का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, बेकार है, बेकार है, बेकार है। तो कि मैं जो उस समय सच्ची बात कहना चाहता हूँ, मेरे अनुभव में जो बात आई वो कहना चाहता था, वो मेरा दर्द आप नहीं समझ पाए, और मुझे बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से चलो, आपको कुछ सुनना नहीं है, ऐसे उसको तड़छोड़ मार दिया था जीवित जब थे तब। और अभी वो शोभा यात्रा निकालने का मतलब क्या है, हाँ ऐसा सही बोल बात, रहे हैं। हाँ, इसलिए जो भगवान हाजिर होते हैं, जो संत हाजिर होते हैं, वो कहना चाहते हैं वो समझ जाए ना, तो एक कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे गुजराती में कहवाई छे, राड्या पछी नु डापण, शू कहवाय, चले रांडिया जाते हैं इसके पर। पीछे रोने से क्या फायदा, जब थे तब रोते नहीं थे, सामने थे तब इसके साथ अच्छी तरह रहते नहीं थे, अभी नहीं है तो रहने का विचार आते कि ऐसे थे मैं अच्छी तरह से उसके साथ रह पाता, इसके साथ अच्छी तरह से मैं कुछ कर पाता, अभी क्या फायदा उसका, अभी है नहीं सामने, ऐसा बताना चाहते हैं भाई पूरे। हाँ, बहुत अच्छा समझ में आया। जय हाँ जी, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद नवीन दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद अमी बहन बोलिए। नवीनानंद जी, जय जी सच्चिदानंद, ये जो जी स्यादवाद बोलते हैं ना हम लोग, स्यादवाद दादा ने बताया, तो ये स्याद और वाद, तो स्याद का हाँ, मतलब क्या है? याद का मतलब जो भी हमें बोल रहे हैं, कुछ भी वर्तन कर रहे हैं, कुछ भी मनन कर रहे हैं, तो किसी को भी दुख का एहसास नहीं हुए, ऐसा हमारा जो वर्तन है, ऐसी जो वाणी है, ऐसा वो मनन है, वो श्यादवाद बोला जाता है। श्यादवाद मतलब इस तरफ भी नहीं, इस तरफ भी नहीं, और दोनों को दुख नहीं हुए, इस तरह रहना, किसी भी चीज को तड़छोड़ना नहीं, किसी की भी बात गलत है ऐसा नहीं कहने का, क्योंकि उसकी व्यू पॉइंट से तो बात सच्ची है ना, जो बोल रहे हैं उसकी उसके व्यू पॉइंट से सच्चा है, इसलिए स्यादवाद वाणी होती है ना, तो उनका पूरी तरह से सुन लेते हैं और फिर में सच्ची बात क्या है वो भी बता देते हैं, इसलिए किसी का भी आप सुनते हैं ना और आपकी बात आप रजू करते हैं तो किसी को दुख नहीं होता है, लेकिन किसी की बात सुनते नहीं है और अपना व्यू पॉइंट सामने रख देते हैं तो किसी को दुख होता है, वो और एकांतिक वचन हो जाता है, क्या होता है एकांतिक। हाँ एकांत, हाँ, स्यादवाद का मतलब कहीं भी किसी भी धर्म का भी प्रमाण को इधर उधर नहीं होता है, भाई आपका धर्म बिल्कुल सच्चा है लेकिन सरीखा नहीं है, क्या नहीं है, सभी सरिका धर्म नहीं है। सच्चा है लेकिन सरीखा नहीं है, वो स्यादवाद बात है। स्यादवाद बराबर, मतलब किसी को दुख नहीं, हमसे हमको भी दुख नहीं हुए, सामने वाले को भी दुख नहीं है हुए, ऐसा वचन बोलना वो स्यादवाद वाणी बोली जाती है उसको, किसी को प्रमाण को न दुभाने वाली बात। हाँ, प्रमाण नहीं दुखाए, बराबर। हाँ, सभी धर्मों को लक्ष्य में रखकर बात करते हैं, इसलिए दादा भगवान कभी कभी बोलते थे, गॉड इज क्रिएटर, क्रिएटर बाय क्रिश्चियन व्यू पॉइंट, नॉट बाय फैक्ट, क्या बोलते थे,
आपकी दृष्टि से बिल्कुल सही है, भगवान चला रहा है, भगवान कर रहा है, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं है। तो आपको सचमुच जानना है तो हम बताए। वो बोले कि नहीं, हम जो समझ रहे वो बात बराबर है, तो दादा इस आगे बात नहीं करते हैं। और स्यादवाद वाले नहीं होते ना, तो वो तो बता के ही रहते हैं, उसको क्या करते हैं। हाँ, स्यादवाद का मतलब है, बता देते हैं। तरह से सम्मति लेना और बाद में अपना सच्ची बात क्या है भगवान की वो बताना, वो स्यादवाद है। आई बात? हाँ, आ गई समझ में। बराबर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। ओके, अपना टाइम हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं, हम इवेंट फॉलो करेगा। हाँ जी। नमो अरिहंताणम, बोलिए। हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पाव पणासनो, सव पाव पणासनो, मंगलानम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, पड़वम हवई मंगलम, पड़वम हवई मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद नवीनानंद जी, जय सच्चिदानंद दीपकानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कविराज जी के पद और आरती, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर जूनियर फोरम, 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव,